सादगी दिखाने के चक्कर में ट्रॉल हुई दीपिका पादुकोण, इकोनॉमी क्लास में सफर करते आई नजर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म की रिलीज को 22 दिन हो चुके हैं। पठान इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ में शामिल होने के लिए भी तैयार है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के एक्शन अवतार ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके चलते उन्हें ट्रॉल भी किया जा रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और वीआईपी हस्तियां हवाई यात्रा के दौरान बिजनेस क्लास में सफर करना प्रेफर करते हैं। इसकी खास वजह है कि उनकी प्राइवेसी, हालांकि ये कितना भी अपना चेहरा छिपाए लेकिन इनके फैंस इन्हें पहचान ही लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दीपिका पादुकोण हाल ही में फ्लाइट में बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में सफर करते देखा गया। दीपिका ने ऐसा गेटअप बना रखा था कि उन्हें कोई पहचान ना पाए, लेकिन उनके एक फैन ने उन्हें पहचान लिया और उनका वीडियो बना डाला और सोशल मीडिया पर अब ये काफी वायरल भी हो रहा है। दीपिका ने एक लो प्रोफाइल रखा, किसी भी यात्री से बात किए बिना तेजी से निकल गई, लेकिन एक फैन ने सेल फोन में एक्ट्रेस का वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में जिसे दीपिका पादुकोण के एक फैन क्लब द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया था, वह जैकेट और सनग्लासेस साथ मैचिंग टोपी पहने हुए देखी जा सकती है। जैसे ही वह केबिन के दरवाजे से निकली, एक फैन ने उन्हें बुलाया और कहा हाय दीपिका, लेकिन एक्ट्रेस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसके चलते अब उन्हें ट्रॉल भी किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इस दौरान ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि दीपिका खड़ी होकर अपने उस फैंस का जवाब दे। हालांकि कई लोग दीपिका की यह सादगी काफी पसंद भी कर रहे हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेचर को सब्सक्राइब करें।